कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचे थे और उनका और पुतला जलाकर ये अपना जी संस्कृति स्कूल खोलन की कवे हैं या एक सामाजिक लूट है। संस्कृति तो आप हमारे सीएम ने सीखनी चाहिए। हमारे सेंटर से 1500 और 700 रुपए आते हैं लेकिन वो सीएम हमारे नाम के पैसे अपनी गोद में डाला है। उसका पेट पाटेगा। 52,000 वर्कर हेल्परों के 1500 और 750 रुपए वो अपनी जेब में डाला है। अपनी माँ बाणा को ना दे के वो खुद खा रहा है। ये कह रहा है हम तो बहुत गणे दे रहे हैं। उसके सीएम साहब का एक बयान सुना था, उसने ये कही थी मैं तो मेरी माँ ने पढ़ाया था, हम भी किसी की माँ हाँ, हमने तू पढ़ाया, हमने सीएम बनाया लेकिन हमारे ऐसे के पीछे खावे, हम न्यू कम हमारे ऐसे के पीछे दे दे और हम अपने बर्तन पढ़ा लेंगे और अपना चूल्हा चौका चला लेंगे। सीएम साहब आपने आगे भी आना है, जब हमारा नहीं पीछे नहीं पीछे देगा तो हम किसी की भी एंट्री अपने गाँव में नहीं होने देंगे और तेरी जड़ फेंकेंगे, मारी जड़ गाड़ जा, हम न पढ़े लिखे कम तक कम मजदूर तो बना जा, हम कुछ भी नहीं बनाए इतने, हम झांझ खुर्द से आए हैं। हमारी बात नहीं हो चेकी। और बहनों कल जो है हमारा प्रोग्राम 26 जनवरी का दिन है, हम छुट्टी नहीं करेंगे, जींद में बस स्टैंड तक तिरंगा यात्रा हम निकालेंगे। कल हमें तिरंगा यात्रा निकालते हुए शहीदों के नारे लगाते हुए जुलूस निकालेंगे और सभी बहनों ने कल जींद में आना है। जींद में भी कल योड है, बस स्टैंड का उद्घाटन करने खातर कल आएगा। इतनी छोटा कोनी रास्ता बदलवाएंगे कल भी इसका। बढ़िया फेट दिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, कोई भी नुमाइंदा विधायक है छोटा नहीं गए जब तक भारत बात नहीं करेंगे। रास्ता बदल के तड़का भी बाजियो चाहे लेकिन हमारा मांग पत्र लेके इसने बात करनी पड़ेगी। और ये वाय बीजेपी सरकार है जो किसानों के काले कानून आती रात ना तो यू घोषणा करे, आती रात ना यू बोले बहनों और भाइयों आज से लॉकडाउन लगा दिया गया है। से आलने के आलने में और पालने के पालने में नू रख दिए थे इसने। मजदूर वर्ग अपने घरों से 700-200 किलोमीटर दूर जा रहे थे, जो काम कर रहे थे उल्टे आन जो क्या कौन छोड़ दे इसने। आती रात ना दुनिया सो जाए जब इसकी भाषणबाजी शुरू हो गया है। और काले कानून जब लेके आए किसानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है इस बीजेपी सरकार को। और ये उसी किसानों की बहू बेटियां हैं जो इस सरकार का मुंह फेरन जाने हैं, जो रोटी पाके आने तक सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर पहुंचा सका है, वह कहीं तक भी जा सकती है। ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे आंदोलन की जो रणनीति, जो हमारी मांग पत्र में जो मांग है उनका हल नहीं निकल जाएगा। और ये अपने मुंह तक घोषणा करने जाना है ऊंचे ऊंचे लफ्जों में और लागू करते हैं इनका बजट समझ जाए, वो बजट भी हमने पूरा करवाना है। हमारा आंदोलन जीत की ओर जा रहा है। तब न्यू देख लियो जब ये मंत्री मुंह छुपा के भाषण लाग दे जो आज भेज रहे थे तो न्यू सोच लो के हमारा तो ये पक्के डर रहा है। इसमें थोड़ा शक नहीं और हमारा तो डरदार यू बाजा ये मत थी तो यू सांझ ना 5 बजे तक छड़दम रवा रही जमानी टटिया बाज क्या देख। और इस पुलिस प्रशासन ने जो आगे कर रहा है हम पुलिस कर्मचारी साथियों से ये कहना चाहेंगे भाई तुम तो बेल्ट में बंधे हुए सो, हमने थोड़ी सी छूट दे दिया करो, इनका पसीने आना के छोड़ेंगे छोड़ना नहीं है। पर जो तारे इससे की लड़ाई भी हम लड़ेंगे। ये माता और बहने पुलिस प्रशासन सीआईडी आईपी जितने साथी खड़े हैं हमारा अंदरूनी समर्थन करे जा करो और हमें नुए नारे लल्ला के इनकी छुट्टी करते चलेंगे। आज हमारी मांगा ना लेके आए थे
भाई मारी मांग अजय चौटाला द्वारा पहुंचे उद्घाटन खातर और उसकी देन खातर आए थे कि भाई सरकार हमारा समझौता करे और हमने बातचीत के लिए बुलावे, लेकिन इसकी बजाय हमारा दौरा अंधे बेरानी के मारा मत इसी बांस आओ थी उसने उतर दे सेती न्यू बेरानी लाल झंडा की फड़क बैठी, न्यू बेरानी आंगनबाड़ी वालिया की बैठी, अंधे मंत्री उसे टेम उल्टा बाज गया। ऐसा भगोड़ा मंत्री ना तो देखा होगा, जोन साथी कदे एक भी बात नहीं सुनी, ना इतनी बेबिया का बीच मान की उसकी हिम्मत हुई बाज गया। और एक बात और बताना चाहूँ, सरकार ने इसे भगोड़े मंत्रियाँ की इसे आने वाली सरकार की ना गता में गांव में घुसण जाएंगे और ना वोट देंगे। आने वाली टेम में सरकार के धक्के मार के गांव में तो न्यू काटेंगे जुकर आज लुक के गया है, आज बाज के गया हमारे बीच में था और हमारी एक भी बात नहीं सुनी। यह जुगले बाजी की सरकार, इतनी गंदी सरकार आज तक देखी नहीं होगी, ना बनी होगी और ना आगे इतनी राजमान जाएंगे। जब जनता का कोई भी बात तो समझौता नहीं कर सकता, बात नहीं सुन सकता, खड़ा होकर बात नहीं कर सकता, इस भगोड़ा मंत्री की हमने कोई जरूरत नहीं। महिलाओं के साथ हाथा पाई करी, आगे गेट ला दिया, ताले ला दिया, लेकिन महिलाओं ने फिर भी गेट तोड़े, ताले तोड़े और आगे जाके ना मंत्री की गाड़ी का गड़न की कोशिश भी करी, लेकिन पुलिस वाले ने इनको रोकिया और ओड़े चकमा देकर इतना बाज गया। भगोड़ा मंत्री मुर्दाबाद दे कड़िया भी मंत्री आओ, कड़िया भी हमने नहीं सुनो। अरे जेजेपी का और बीजेपी का कोई विधायक आ रहा है उसे टेम पौड़े पावांगे और ना पंडा छोड़ दे, कितने टर्मिनेट के लेटर काटो, कितने हमने टर्मिनेट करो, कितने सरकार हमने बजाओ, हमने कोई दिक्कत नहीं चीजा का। पुतले फूके और जो हमने ज्ञापन देने थे वह ज्ञापन उसका दफ्तर का आगे फूक के आए। इस भगोड़ा मंत्री हमने नहीं चंदा भाई कदे भी ना यो सता मार, इसका पत्थर के ताले बिड़ जियो पछाड़ी में, जिसे ताले आज लगे इसका इसे पत्थर के ताले बिड़ा, इसके खुला नहीं कदे भी और जड़ पहाड़ी के बगाए देंगे, इसकी छोड़ा नहीं के भाई भूला देवी। यहाँ अपनी जिंदगी में तीन तीन चार चार बार मर गए, जब नया बच्चा पैदा करे तो अपनी जिंदगी का पल हम ये बेवकूफ हो रहे हैं। मारा गया कड़ा हाथ ला लिया तोरे पेंडा छुट्टा हो गए ठीक रहे हो गए, और नहीं तो भाई थारे नहीं छोड़ता की सगाई भी होती है, जब हम ये मंत्री एमएलए नहीं रहे या बता दिया इतनी कहनी थी मैंने तो सरकार और इस तक कि मैं आज का ऐसा न्यूट्रल वाली बात को नहीं, अगर मेरा मांग पत्र को नहीं लिया और मैं बेतना कहा थोड़ा जाए कि न्यू हो गिरिया होगी, ये न्यू है बात देंगे और इन चढ़ता बताए के छोटांगे और चुकर अपना धरना पहला ला क्या करता ग्रीन बेल्ट में न्यू है पथड़ा है और इतना अपनी बात पूरी नहीं होती नहीं, अपना समझौता नहीं सरकार मान दी, इतना न्यू है लगातार अपनी हड़ताल जारी रहेगी। आप बहुत बहुत धन्यवाद सारी बेबिया का, आपने बहुत कीमती टाइम दिया और यू एक जुट का यदि चुकर खड़ी है नहीं अपा इस तो पूरा हौसला मिला सबने और ये एकता है नहीं सरकार ने घुटने का बड़ा बड़ा आगे जो एक देगी और ये मान के चलियो सारी की सारी अपने पिस्तर में पूरी बिठा लो के इनकी बगोड़े ना पकावांगे, इन बगोड़े ना बजाए बजाए का मारांगे, बजाने रोज की देखा नहीं ये कड़क बात देंगे फिर भी आवेंगे जनता का बीच में पड़ाए हुए अपने हैं ये चेले भी आ पाए मुंडा आपका वे पे सूत्री नीच कर कर मुंडांगे कहीं ना पड़े नहीं जाएंगे जो सा गांव में पड़े वही हमें तेरी गड्डी का कोड़े बैठे पावांगे इनका वोट नहीं मांगने जाएंगे इनकी इनका बड़का देखी हुई है अपने गांव में कोड़े भी अपना राज अपना पाठ सजड़े ये बाबा जगह गए कहने बेबे मैं यहाँ कहना चाहूँ तड़के सारी दिल तो नुए लगी रहो सरकार न रहा क्या छोटा और अपनी जीत ले आवांगे पक्की लेंगे। देखिए मैं अपनी तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से आंगनबाड़ी वर्कर बहनों की जो हड़ताल थी इसमें अपना समर्थन देने के लिए आया था और बड़े गजब की बात रही कि जेजेपी के नेता चौधरी अजय चौटाला जी यहाँ
अपने दफ्तर का उद्घाटन करने के लिए आए थे, और जब हमारी बहनों ने उनको अपना विज्ञापन देने के लिए जा रही थी, पुलिस वालों ने उनको रोका और चकमा दे करके वो यहाँ से भाग गया। और हमारी बहनों के विश्वास को देखते हुए मैं JJP और BJP सरकार को बताना चाहता हूँ कि भागने से काम नहीं चलेगा। ये चेतावनी आपको कि हमारी बहनों की मांगों को माना जाए, नहीं तो कहीं भाग लियो वह छोड़ा नहीं गया, जमा बिल मत काट के छोड़ांगे साथियों। और आज हमारी बहनों की ताकत को देखते हुए अजय चौटाला JJP नेता धूम दबा करके लुक छिप करके भाग गया। ये हमारी बहनों की जीत है, और निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारी बहनें नहीं जीतेंगी, इनके लिए मैं सड़क से संसद तक संघर्ष करेंगे, और उनको जीत दिला करके ही हम घर बैठेंगे, हम घर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।